आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस, टाइप्स ऑफ लार्वा एंड प्यूपा। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है? देखो, मेटामॉर्फोसिस है ये ग्रीक वर्ड, मेटा अर्थात चेंज और मॉर्फ मतलब फॉर्म या स्ट्रक्चर। मेटामॉर्फोसिस शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेटा और मॉर्फ। मेटा मतलब चेंज और मॉर्फ मतलब फॉर्म या स्ट्रक्चर। तो जो भी इंसेक्ट्स के पूरी विकास के दौरान, एक इंसेक्ट्स के विकास के दौरान जो है, जो जो स्टेज से इंसेक्ट गुजरता है, सामान्यतः एग लेइंग से लेकर के, अंडे देने से लेकर के वयस्क तक की जो अवस्थाएं होती हैं, उसमें जो चेंजेस होते हैं, वह उन सब को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस जो है वह इंसेक्ट्स की एक प्रकार की डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जिसमें कि मुख्य रूप से ग्रोथ, इंसेक्ट्स में वृद्धि होती है, डिफरेंशिएशन अर्थात जो उसकी इमेच्योर स्टेजेस हैं, जैसे लार्वा है, निम्फ है, उसमें हर एक जो लार्वल और निम्फल इंस्टार होते हैं, अलग अलग स्टेज होती है, उनमें डिफरेंशिएशन होता है। और एडल्ट स्टेज जो होती है, जिसमें कि रिप्रोडक्शन, प्रजनन की जो स्थिति होती है, वो उसमें एडल्ट में पाई जाती है। इस प्रकार से जो चेंजेस होते हैं, इस प्रकार से जो चेंजेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उन सब को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको अपन लोग मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। मेटामॉर्फोसिस जो है वही चीजें हैं कि देखिए इसमें दिखाई दे रहा है चित्र में, एग, अंडा, अंडा से निम्फ बना। निम्फ में देखिए अलग अलग साइज निम्फ के दिखाई दे रहे हैं, और देन उसके बाद एडल्ट बन गया। तो एग से लेकर के एडल्ट स्टेज तक की पहुंचने की अवस्था में इंसेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट है ना डेवलपमेंटल स्टेजेस, एग, निम्फ है ना, अगर ये है तो लार्वा या प्यूपा अवस्था से गुजरना पड़ता है। वही चीजें मेटामॉर्फोसिस कहलाती हैं। और यह जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस पे ये अलग अलग होती हैं, उनमें डिफरेंसेस होता है, और इसी डिफरेंस के बेसिस पे जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो निम्न प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार है मेटामॉर्फोसिस का ए मेटामॉर्फोसिस या ए मेटाबोला, दूसरा होता है हेमी मेटाबोला, तीसरा होता है पौरो मेटाबोला, तीसरा होलो मेटाबोला, और चौथा होता है हाइपर मेटाबोला या हाइपर मेटामॉर्फोसिस। इसमें हम लोग एक एक करके इन सब टाइप में क्या अंतर होता है और किस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस होती है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है ए मेटाबोला, अर्थात नाम से ही दिख रहा है, ए मतलब एब्सेंट, मेटाबोला मतलब मेटामॉर्फोसिस, अर्थात मेटामॉर्फोसिस का एब्सेंट मतलब नो मेटामॉर्फोसिस। तो ये इस प्रकार की जो मेटामॉर्फोसिस है, ये इस प्रकार का जो रूपांतरण है, वो प्राय जो विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं, अर्थात जिनमें पंख नहीं पाए जाते हैं, उस प्रकार के इंसेक्ट्स में इस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, और जिनमें पंख नहीं पाए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है एप्टेरेगोटा। एप्टेरेगोटा अर्थात एब्सेंट ऑफ विंग्स। इसमें जो है तीन डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है, एग, लार्वा एंड एडल्ट। तो इस प्रकार की जो लार्वी होती है, जो तीन डेवलपमेंट स्टेज में जो लार्वा है, ये लार्वा जो है ये एडल्ट्स के जैसा, ये देखिए ये एडल्ट्स दिख रहा है, इस एडल्ट्स के जैसा ही इन लार्वल स्टेज में समानता होती है। एडल्ट्स जो है, लार्वा जो है वो एडल्ट्स के जैसा दिखाई देता है, और इसको कहा जाता है निम्फ, इनको कहते हैं निम्फ। इस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस कहलाती है ए मेटाबोला टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। ये सिल्वर फिश जो है किताबों में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत समय तक किताबों को रख दिया जाए तो उसके अंदर छोटा सा सिल्वर कलर का एक इंसेक्ट दिखाई देता है,
उसको कहते हैं सिल्वर फिश। दूसरी प्रकार की मेटामॉर्फोसिस है हेमी मेटाबोला। हेमी अर्थात हाफ, मेटाबोला अर्थात मेटामॉर्फोसिस। तो ऐसे इंसेक्ट्स में जो कि जिनमें मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होती है, हाफ होती है, इनकम्प्लीट होती है, या सिंपल टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, इसको बोला जाता है हेमी मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटा बोला। तो ये इस प्रकार की जो मेटामॉर्फोसिस है वो ड्रैगन फ्लाई, डेमसिल फ्लाई या मे फ्लाई, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ड्रैगन फ्लाई इसको हम लोग कॉमन भाषा में, हमारे छत्तीसगढ़ में फुरफुंदी बोला जाता है। तो ये फुरफुंदी और जो छोटी फुरफुंदी आती है डेमसिल फ्लाई जिसको बोला जाता है, उसमें इस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। और इस प्रकार की जो मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट दिखाते हैं उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, लाइफ स्टेजेस हैं, वो तीन होती है, एग, यंग, यंग वन अर्थात निम्फ या लार्वा, यंग वन अर्थात निम्फ या लार्वा, और एडल्ट। तो यंग वंस जो होते हैं, जो उसके यंग वंस हैं, वो एक्वेटिक होते हैं, जिनके कारण से इनको कहा जाता है नायट्स। ड्रैगन फ्लाई, डेमसिल फ्लाई, मे फ्लाई के जो यंग वंस होते हैं उनको कहा जाता है नायट्स, नायट्स, NAIADS। ये जो है कि एडल्ट की तुलना में हैबिट, इनकी जो हैबिट होती है, की जो प्रवृत्ति है और हैबिटाट है, रहन सहन है, वह दोनों जो है एडल्ट से डिफरेंट होता है। ये जो है आपका ट्रेकियल गिल्स के जरिए, है ना, ट्रेकियल गिल्स के जरिए सांस लेते हैं, है? और इनकी जो ड्रैगन फ्लाई के जो नैड होते हैं उनका जो लोअर लिप को कहा जाता है मास्क, है ना, जो कि एक प्रकार का हिंज हिंज जैसे शेप के होते हैं, और जिसमें हुक्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके जरिए कि ये जितने इनके प्रे हैं उनको कैप्चर करने का कार्य करता है। और जब ये निम्फ्स जो हैं, ये नाइट्स जो हैं, ये नाइट्स लास्ट फाइनल मोल्ड में आते हैं, और तब उस समय में इनमें ये पंख का डेवलपमेंट हो जाता है, और इसके कारण से ये एरियल लाइफ लेते हैं, और ये जो है उड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा होता है पौरो मेटाबोला अर्थात विजुअल मेटामॉर्फोसिस। इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉकरोच, ग्रास हॉपर और बग्स, और इनके जो यंग वंस कहलाते हैं उनको, यंग वंस को कहते हैं निम्फ्स। पारोमेटाबोला जो है, जिस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस है, ये कॉकरोच में, ग्रास हॉपर्स में और बग्स में पाई जाती है, और इनके यंग वंस को निम्फ्स कहा जाता है। और इनके जो यंग वंस होते हैं वो टेरिस्ट्रियल होते हैं, और जो यंग वंस हैं वो एडल्ट्स के जैसे, इस पिक्चर में देखिए आपको दिखा रहा है, ये जो है ये इसके यंग वंस हैं। इस यंग वंस का जो है शेप, साइज जो है, और दिखाई देने में जो है एडल्ट्स के जैसे ही दिखाई देते हैं। केवल इनके जो पंख होते हैं, जो पंख इसमें जो निम्फ्स होते हैं उनमें पंख नहीं होते हैं, और जेनिटीलिया, जेनिटीलियल जो होते हैं मतलब मेल फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं, है ना, मेल फीमेल ऑर्गन्स है वो इसमें जो है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो नहीं होते हैं, जबकि एडल्ट्स में होते हैं। और इनकी जो कंपाउंड आईज और माउथ पार्ट्स जो होते हैं वे एडल्ट्स के जैसा ही होते हैं। दोनों निम्फ्स और एडल्ट जो हैं उनकी हैबिटाट भी सेम होती है। और इसमें जो विंग बर्ड्स होते हैं, इनके जो निम्फ्स में विंग बर्ड्स जो होते हैं वो एक्सटर्नली बाहरी रूप से अपियर होते हैं। जो विंग बर्ड्स होते हैं ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, लेट इन स्टार्स में विंग बर्ड्स एक्सटर्नली अपियर होते हैं, और जेनेटियल डेवलपमेंट इनके शुरू इन स्टार्स में नहीं होता है, निम्फल इन स्टार्स में, और लेटर इन स्टार्स में धीरे धीरे से जेनेटिलिया डेवलपमेंटल होता है, इसीलिए इसको विजुअल मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। लेटर इन स्टार्स के जो निम्फ्स हैं वो लगभग एडल्ट्स के जैसे ही दिखाई देते हैं, और धीरे से ये जो निम्फ्स हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से पारोमेटाबोला में तीन स्टेजेस होती हैं, एग हो गया, निम्फ हो गया और एडल्ट्स हो गए। और निम्फ्स जो होते हैं वे रिजेंबल्स होते हैं एडल्ट्स के, एडल्ट्स की जैसे ही दिखाई देते हैं, केवल उनमें विंग्स और एक्सटर्नल जेनिटीलिया जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं निम्फ्स में, बाकी की चीजें सब सेम होती हैं। पारोमोटाबोला के बाद चौथी जो मेटामॉर्फोसिस है जिसको बोला जाता है होलो मेटाबोला। होलो अर्थात
होलो का मतलब होता है कंप्लीट और मेटाबोला अर्थात मेटामॉर्फोसिस अर्थात कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिन इंसेक्ट्स में पाई जाती है उनको होलो मेटाबोला कहा जाता है। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो कि होलो मेटाबोला टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं उस टाइप के इंसेक्ट्स की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनमें चार अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। और चारों अवस्थाएं होने के कारण से ही इस प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं वो उनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है और इसीलिए इनको कहा जाता है होलो मेटाबोला। और इस प्रकार की जो मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है उस प्रकार के इंसेक्ट्स की जो लार्वी होती हैं वो उसमें जो है एडल्ट्स में और लार्वी में बहुत ही डिफरेंस होता है, मतलब एक जैसी दिखाई नहीं देती हैं। और साथ ही साथ जो विंग का जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल होता है ना, विंग का जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल होता है, इसीलिए जो है इनको कहा जाता है एंडोपेरिगोटा, एंडोपेरिगोटा। और इस प्रकार की जो मेटामॉर्फोसिस है वो हनीबी, बीटल्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, फ्लाइज इस प्रकार के इंसेक्ट्स में पाई जाती है। ये देखिए अंडा, अंडा से बना लार्वा, लार्वा से बना प्यूपा और प्यूपा से बना एडल्ट। इस प्रकार से चार डेवलपमेंटल स्टेजेस होलो मेटाबोला टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस एग्जिबिट करने वाले इंसेक्ट्स में पाई जाती है। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है अंडे हैं बटरफ्लाई के, ये लार्वी है और ये इसका प्यूपा है और प्यूपा के बाद जो है ये एडल्ट्स फॉर्म होता है। तो एडल्ट्स और लार्वे प्यूपा में किसी भी प्रकार की समानताएं नहीं दिखाई देती हैं। पांचवा है हाइपर मेटामॉर्फोसिस। हाइपर मेटामॉर्फोसिस का अर्थ होता है ये एक पिक्यूलियर टाइप की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिसमें कि जो इसके लार्वा होते हैं उस लार्वा में ही लार्वल जो ग्रोथ होती है वे अलग अलग स्टेजेस में होती है, उनको बोला जाता है इंस्टार। तो अगर मान लीजिए इंसेक्ट्स के तीन इंस्टार है या इंसेक्ट्स के दो इंस्टार के बाद इंसेक्ट जो है वो एग्स के बाद दो इंस्टार हुआ लार्वल डेवलपमेंट दो इंस्टार का रहा उसके बाद देन प्यूपल स्टेज और उसके बाद एडल्ट बना, तो जो दो लार्वल स्टार जो इंस्टार रहेंगे या दो लार्वल स्टेजेस जो रहेंगी वो हाइपर मेटामॉर्फोसिस एग्जिबिट करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उसमें दो प्रकार की होती है। इनमें क्या होता है कि जो पहला लार्वल इंस्टार है वो उसमें लार्वा जो है कैम्प्रोडी फॉर्म टाइप ऑफ लार्वा होता है, है? और जो सब्सिक्वेंट लार्वल फॉर्म्स हैं आगे के जितने भी लार्वल फॉर्म्स हैं वो जो किस तरीके से उसका फूड मिल रहा है उस लार्वा को और किस प्रकार के हैबिटाट में वह सर्वाइव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके आगे आने वाले इंस्टार। तो फॉर एग्जांपल इन ब्लिस्टर बीटल, ब्लिस्टर बीटल मेलॉइडी कोलियोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, इसकी जो पहला लार्वल इंस्टार होता है वो कैम्पोडी फॉर्म होता है जबकि उसका जो दूसरा लार्वल इंस्टार है वो स्कैरबी फॉर्म, स्कैरबी फॉर्म टाइप ऑफ लार्वा के जैसा दिखाई देता है। ये देखिए ये जो है ये कैम्पोडी फॉर्म लार्वा है। तो ये ब्लिस्टर बीटल का पहला इंस्टार जो है फर्स्ट लार्वल इंस्टार ये है आपका कैम्पोडी फॉर्म टाइप ऑफ लार्वा। कैम्पोडी फॉर्म आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कैम्पोडी फॉर्म लार्वा की क्या विशेषताएं होती है। कैम्पोडी फॉर्म लार्वा जो है वो स्ट्रेट होता है जबकि स्कैरबी फॉर्म, ये देखिए तीसरा जो है स्कैरबी फॉर्म लार्वा वह बेंट सी आकार में मुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से जो मेटामॉर्फोसिस जिसमें कि लार्वल इंस्टार्स अलग अलग प्रकार की लार्वा को एग्जिबिट करता है, अलग अलग प्रकार के लार्वा को प्रदर्शित करता है उसको कहा जाता है हाइपर मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल है लिस्टर बीटल। फिर उसके बाद जो है निम्फ्स और लार्वा, अभी अपन लोगों ने देखा निम्फ क्या होता है लार्वा क्या होता है, तो इसमें निम्फ और लार्वा में कुछ डिफरेंस है ना। तो जो निम्फ के यंग वंस होंगे वो एक्सोप्टेरिगोट होंगे जबकि लार्वा के जो यंग वंस हैं ये डिफरेंस दिया हुआ है निम्फ और लार्वा में। और जो यंग वंस होते हैं अर्थात लार्वा जो होंगे जो होलो मेटाबोला डिस्ट करेंगे उनमें जो लार्वा होंगे वो एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट्स होंगे, निम्फ्स जो होते हैं
एडल्ट्स के जैसे ही दिखाई देते हैं, है ना, और केवल विंग्स और जेनिटीलिया, जेनिटीलिया और विंग्स बस जो है वो इसके निम्फल स्टेज में नहीं मिलते हैं, जबकि लार्वल स्टेज जो है वो एडल्ट से पूरे के पूरे दिखने में डिफरेंट होते हैं। निम्फ्स की जो फूड हैबिट होती है वो एडल्ट के जैसी ही होती है, जबकि लार्वा की जो फूड हैबिट होती है वो टोटली डिफरेंट होती है एडल्ट्स की तुलना में। और एग्जांपल अगर हम इसका लें बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होगा वो क्या करेगा, उसके माउथ पार्ट बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के होंगे, अर्थात वो पत्तियों को काट काट करके खाएगा, जबकि इसका एडल्ट जो होता है ना, एडल्ट जो होगा बटरफ्लाई का, उसका जो माउथ पार्ट होगा वो साइफनिंग टाइप का माउथ पार्ट होगा, अर्थात वह पत्तियों के रसों का जूस पी करके जो है सर्वाइव करेगा। इस प्रकार से इनकी फूड हैबिट्स डिफरेंट होती है। माउथ पार्ट्स जो है निम्फ के वे एडल्ट्स के जैसे ही होते हैं, जबकि लार्वा के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो एडल्ट्स की तुलना में डिफरेंट होते हैं। निम्फ में तीन जोड़ी थोरसिक लैक्स, थोरेक्स में जो है तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जैसा कि एडल्ट्स में पाए जाते हैं, जबकि लार्वा में जो आपका पैर है, जो लार्वा में पैर की जो संख्या होती है वो वेरी करती है ना, और ये अलग अलग ऑर्डर्स में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि थोरेक्स में भी ये लैक्स प्रेजेंट होते हैं लार्वल स्टेज में, और एब्डोमेन में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि प्रोलैक्स एवं ट्रू लैक्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं नीम के एक्सोप्टेरिगोट, जबकि लार्वा के एग्जाम्पल्स हैं एंडोप्टेरिगोट। तो हम लोगों ने देखा जो बग आते हैं, एग्जाम्पल इसके बग आएंगे, प्लांट बग्स जो होते हैं वो नीम उसमें एक्सोप्टेरिगोट्स शो की जाती हैं, और अर्थात उसमें तीन डेवलपमेंटल स्टेजेस रहेंगी तो निम्फ पाया जाएगा, जबकि बटरफ्लाई हैं या मॉथ हैं उनमें चार डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, और इसकी जो लार्वा है वो एंडोप्टेरिगोट टाइप ऑफ एग्जिबिट करता है मेटामॉर्फोसिस। तो ये हो गया मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लार्वी। इंसेक्ट्स में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, तो इसमें जो लार्वा है वह लार्वा अलग अलग प्रकार का, अलग अलग ऑर्डर्स में, इंसेक्ट्स में अलग अलग ऑर्डर्स में ये अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ लार्वी में तीन प्रमुख रूप से हैं, ऑलिगोपोड लार्वी, पॉलीपोड लार्वी और एपोडस लार्वी। पहला ऑलिगोपोड लार्वी। ऑलिगोपोड लार्वी में जो लार्वी होती है उसके जो थोरेक्स रीजन में थोरेसिक लैक्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एब्डोमिनल लैक्स एब्सेंट होते हैं, एब्डोमिनल लैक्स नहीं पाए जाते हैं। और ऑलिगोपोड जो लार्वी है इसमें हेड कैप्सूल जो होता है, सिर जो होता है, हेड सिर का जो है वह पूर्ण रूप से विकसित होता है, जबकि इसमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं ऑलिगोपोड लार्वी में वो जो होते हैं एडल्ट्स के जैसे ही, एडल्ट्स में जैसे माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं उसी प्रकार से लार्वा में भी सेम प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, और लेकिन जो लार्वा है उसमें कंपाउंड आईज नहीं पाई जाती हैं, जबकि एडल्ट्स में पाई जाती हैं। तो हेड कैप्सूल्स वेल डेवलप्ड होता है, और उसके जितने भी अपेंडिजेस होते हैं हेड कैप्सूल्स, माउथ पार्ट्स हो गए, एंटीना हो गया, है ना, कंपाउंड आईज हो गया, ये सब वेल डेवलप्ड होते हैं। और ऑलिगोपोड टाइप ऑफ लार्वी दो प्रकार की होती है, कैम्पोडी फॉर्म लार्वा, स्कैरेबी फॉर्म लार्वा। कैम्पोडी फॉर्म लार्वा, कैम्पोडी फॉर्म लार्वा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कैम्पोडी फॉर्म लार्वा जो है उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेट बॉडी होती है, सीधी बॉडी होती है। ये देखिए, ये चित्र में दिखाई दे रहा है लेडी बर्ड बीटल लार्वा का फिगर दिखाई दे रहा है, उसकी जो लार्वी है वो स्ट्रेट बॉडी होती है। ये देखिए थोरसिक लैक्स, ये देखिए एक दो तीन, ये जो तीनों खंड में एक एक जोड़ी पैर है ना, पूर्ण रूप से विकसित हैं और लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और इस प्रकार की लार्वी सामान्यतः एक्टिव होती है, एक्टिव होती है अर्थात एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और साथ ही साथ भोजन को ग्रहण करती रहती है। और इसमें जो है मोस्टली जो लार्वीज होती हैं वो प्रेडेटर्स होती हैं, अर्थात परभक्षी कीट होते हैं इसमें, इस प्रकार की जो लार्वियाँ होती हैं परभक्षी होती हैं, अर्थात दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करके अपना भोजन ग्रहण करती हैं और अपना लाइफ सर्वाइव करती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं लार्वा ऑफ लेडीबर्ड बीटल, लार्वा ऑफ यूरोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा,
कॉक्सिनेलिड बीटल, लेडीबर्ड बीटल को ही कॉक्सिनेलिड बीटल्स बोला जाता है, क्राउन बीटल्स। तो कैंपोडी फॉर्म के बाद आता है दूसरा प्रकार जो है वो है स्कैरेबी फॉर्म लार्वा। स्कैरेबी फॉर्म लार्वा का जो शरीर है ये देखिए कैसा मुड़ा हुआ है, सी आकार का, सी आकार का सी शेप इसकी बॉडी होती है। इसका जो सिर है हाइपोग्रेथस, अभी आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेड, तो उसमें हाइपोग्रेथस प्रकार का हेड सिर पाया जाता है। थोरेसिक लैग्स, ये देखिए ये थोरेसिक लैग्स हैं वो जो कि रिड्यूस्ड और शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं और रिड्यूस होते हैं, जबकि ये जो लार्वा है वह एक्टिव, जैसे स्कैरबी फॉर्म लार्वा जो है ये इनएक्टिव है, जबकि कैंपोडी फॉर्म लार्वा जो होता है वो एक्टिव होता है। और स्कैरबी फॉर्म लार्वा जो होते हैं मोस्टली फाइटोफेगस होते हैं, अर्थात इंसेक्ट के ऊपर फीड नहीं करते हैं, ये प्लांट्स को ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो एग्जाम्पल्स है वाइट ग्रफ, लार्वा ऑफ वाइट ग्रफ। दूसरा प्रकार है पॉलीपोड लार्वा। तो दोनों जो पॉलीपोड लार्वा इसमें जो है थोरेसिक लैग्स, ये देखिए ये थोरेसिक लैग्स जो है ये ट्रू लैग्स, और जो एब्डोमिनल लैग्स है यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है प्रोलैग्स, ये पीछे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों जो थोरेसिक लैग्स इसको ट्रू लैग्स कहेंगे, और एज वेल एज एब्डोमिनल लैग्स जिनको भी प्रोलैग्स कहेंगे, ये दोनों जो है पॉलीपोड लार्वा में प्रेजेंट होते हैं और पूर्ण रूप से विकसित सिगमेंटेशन, अर्थात बॉडी में एक एक खंड है। ये देखिए ये जो खंड जितने दिख रहे हैं ये बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं और अच्छे से उभरे हुए होते हैं थॉरेक्स में और एब्डोमेन में। और पॉलीपोड लार्वा सामान्यतः फाइटोफेगस इन नेचर होता है, और इस प्रकार के जो लार्वा है वो तीन प्रकार के होते हैं, कैटरपिलर, सेमी लूपर और लूपर। तो पॉलीपोड लार्वा का तीन प्रकार, कैटरपिलर, सेमी लूपर और लूपर। कैटरपिलर, कैटरपिलर में ये देखिए प्रोलैग्स जो होंगे ना, प्रोलैग्स अर्थात एब्डोमिनल लैग्स जो होंगे वो कितने होंगे, पांच जोड़ी में होंगी, और एक जोड़ी जो है वो तीसरे एब्डोमिनल सेगमेंट्स, चौथे एब्डोमिनल सेगमेंट्स, पांचवें एब्डोमिनल सेगमेंट्स, छठवें एब्डोमिनल सेगमेंट्स और दसवें एब्डोमिनल सेगमेंट्स में एक एक जोड़ी प्रोलैग्स पाए जाते हैं। इस प्रकार की इल्लियों को, लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं कैबेज बटरफ्लाई। सेमी लूपर, सेमी लूपर में जो प्रोलैग्स होते हैं वो तीन जोड़ी होते हैं, तीन जोड़ी प्रोलैग्स होते हैं, और एक एक जो होते हैं कौन कौन से खंड में होते हैं, एब्डोमिन के पांचवें खंड में, छठवें खंड में और दसवें एब्डोमिनल सेगमेंट्स में एक एक जोड़ी प्रोलैग्स पाए जाते हैं। इस प्रकार के इंसेक्ट्स कहलाते हैं सेमी लूपर, और यह जो है वो इसका एग्जाम्पल है कॉटन सेमी लूपर, कैबेज सेमी लूपर, टोबैको सेमी लूपर। तीसरा है लूपर, लूपर में प्रोलैग्स जो होते हैं अर्थात एब्डोमिनल लैग्स जो है वो दो जोड़ी होते हैं, और एक जोड़ी जो है वो छठवें सेगमेंट्स में, एब्डोमिनल सेगमेंट्स के छठवें खंड में, और एक जोड़ी जो है दसवें एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। ये देखिए छठवां और दसवां एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। इसी के कारण से ये एक प्रकार से लूप के जैसी संरचना बनाता है, तो लूप के जैसी संरचना बनाने के कारण से ही ये जो है लूपर कहलाता है। तो जितने भी जो इंच वर्म है इसका एग्जाम्पल है इंच वर्म। तो इस प्रकार से ऑलिगोपोड, पॉलीपोड, और तीसरा होता है टाइप्स ऑफ लार्वा में ए पोडस लार्वी। ए अर्थात एब्सेंट, पोडस मीन्स लैक्स, है ना। तो ऐसे इंसेक्ट्स जिनके की लार्वा में लैक्स एब्सेंट होते हैं वे कहलाते हैं ए पोडस टाइप ऑफ लार्वा। ए पोडस टाइप ऑफ लार्वा में लैक्स जो है वो एब्सेंट होंगे, और इसमें जो लार्वा है वो पुअरली स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं, अच्छे से स्क्लेरोटाइज नहीं होते हैं। ए पोडस लार्वा भी तीन प्रकार के होते हैं, ए सिफिलस, हेमी सिफिलस एंड तीसरा यू सिफिलस। ए सिफिलस, ए सिफिलस अर्थात एब्सेंट सिफिलस, अर्थात जो हेड कैप्सूल्स हैं, हेड जो है सिर, सिर का जो पोर्शन है सिफिलस, सिफिलस है ना। ए मीन्स एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ हेड, हेड जिसको बोलेंगे ए सिफिलस। तो इसमें जो हेड होता है वो ग्रेटली रिड्यूस होता है, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, ये कम्प्लीटली जो हेड है वो, ये देखिए यहाँ पे जो हेड है वो कम्प्लीटली थोरेसिक सेगमेंट्स के अंदर, थोरेक्स के अंदर जो है ये एनक्लोज होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ए सिफिलस। तो जो हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी की जो लार्वी है वो ए सिफिलस टाइप की
होती है। दूसरा होता है हेमी सिफिलस। हेमी अर्थात हाफ, आधा, सिफिलस मीन्स हेड। तो इसमें जो हेड होगा वो कैसा होगा, रिड्यूस्ड टाइप का हेड होगा, मतलब बहुत ही वो हेड वेल डेवलप्ड नहीं होगा, आधा अर्धविकसित सिर रहता है, पुअरली डेवलप्ड होता है ना। और खासकर शुरू का हेड, ये देखिए शुरू का तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन जो हेड का जो पोस्टीरियर पोर्शन है, पीछे का जो पोर्शन है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है हेमिसिकलस का लार्वा ऑफ स्ट्रिप्ड हॉर्स फ्लाई। तीसरा प्रकार होता है यू सिफिलस। यू का अर्थात होता है ई यू, यू यू मतलब पूर्ण रूप से, सिफिलस मतलब हेड। तो पूर्ण रूप से विकसित जो सिर होते हैं जिस लार्वा में, उनको कहा जाता है यू सिफिलस, अर्थात इसमें जो हेड होंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो की जो लार्वी होती है वो यू सिफिलस टाइप की लार्वी कहलाती है। इसके अलावा एक और आप लोग पढ़ेंगे, इलेट्री फॉर्म ऑफ लार्वा। इलेट्री फॉर्म ऑफ लार्वा का अर्थात होता है इस प्रकार का जो लार्वा है वो लंबा होता है, लॉन्गेट होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, स्मूथ होता है और चमकदार होता है, शाइनी होता है। इस प्रकार के जो लार्वा है उनको बोला जाता है इलेट्री फॉर्म टाइप ऑफ लार्वा। जो क्लिक बीटल, क्लिक बीटल एक इंसेक्ट है, उसका जो लार्वा है वो इलेट्री फॉर्म लार्वा कहलाता है। टाइप्स ऑफ लार्वा के बाद आता है प्यूपा, और प्यूपा के प्रकार। तो प्यूपा जो है वो है हमेशा इनएक्टिव स्टेजेस होती है, जिसमें कि, और यह स्टेज जो है लार्वा और एडल्ट के बीच की स्टेज होती है, जिसमें कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और प्यूपल स्टेज में कभी भी इंसेक्ट फूड ग्रहण नहीं करता है, फीडिंग नहीं करता है, ये याद रखना है, फीडिंग नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है प्यूपा इज ए नॉन फीडिंग एंड इनएक्टिव स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट्स बिटवीन द लार्वा एंड एडल्ट विथ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ये प्यूपा जो है वो जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मैंडिबल्स, मैंडिबल्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर प्यूपा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है डेक्टिकस, दूसरा है ए डेक्टिकस। और दूसरा प्रकार है जहाँ की अपेंडेजेस जो है बॉडी के साथ एडहर चिपके रहते हैं या फ्री रहते हैं, उसके आधार पर प्यूपा जो है चार प्रकार का होता है, एक्सरेट टाइप प्यूपा, ऑप्टेक टाइप प्यूपा, कॉर्कटेक टाइप प्यूपा और कोकून टाइप प्यूपा। तो पहला है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मैंडिबल्स, मैंडिबल्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर प्यूपा जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है डेक्टिकस, डेक्टिकस टाइप ऑफ प्यूपा। ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो मैंडिबल्स हैं, ये जो मैंडिबल्स हैं माउथ पार्ट्स के जो मैंडिबल्स हैं वो कैसे होते हैं, अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसीलिए जो है इनको कहा जाता है डेक्टिकस टाइप ऑफ प्यूपा, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ मैंडिबल्स, जो मैंडिबल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसी मैंडिबल्स के जरिए जो है जब इस प्यूपा को अपने खोल से बाहर निकल करके एडल्ट में कब परिवर्तित होना रहता है, तो यही जो मैंडिबल्स है इसके जरिए ये उसकी खोल को काटता है, पीपल की खोल को, और एडल्ट जो है वो बाहर निकलते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं लेस विंग्स, स्कॉर्पियन, फ्लाइज। दूसरा होता है ए डेक्टिकस टाइप ऑफ पीपा। इसमें जो है मैंडिबल्स अर्थात माउथ पार्ट्स के जो मैंडिबल्स हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंस, एब्सेंस होते हैं अर्थात एब्सेंट होते हैं। तो इस प्रकार का जो पीपा है वो लेडी बर्ड बीटल के पीपा में पाया जाता है। और बेस्ड ऑन द अपेंडेजेस आर फ्री और एडहर टू द बॉडी, ना बॉडी जो है चिपके हुए अपेंडेजेस के आधार पर जो है ये पीपा होता है एक्सरेट टाइप का पीपा। इसमें जो अपेंडेजेस होते हैं वे फ्री होते हैं और एक प्रकार की खोल में कवर नहीं होते हैं। ये देखिए ये सब आपके अपेंडेजेस जो है, पैर वगैरह, एंटीनी वगैरह, जितने भी अपेंडेजेस हैं, विंग्स हैं, ये सब क्या हो जाता है, बाहर से दिखाई देते हैं, है? और ये एक प्रकार के कोकून जैसी संरचना में बंद नहीं रहते हैं। और इस प्रकार के जो प्यूपा है, जो डेक्टिकस टाइप का प्यूपा है, वो सामान्यतः एक्सरेट टाइप के जो है इसको प्यूपा की अवस्था को शो करते हैं। एग्जाम्पल है हनी बी, प्यूपा ऑफ हनी बी एक्सरेट टाइप का होता है। ऑप्टेक टाइप के में अपेंडेजेस जो होते हैं, जितने भी अपेंडेजेस होंगे, एंटीनी, विंग्स, लैक्स, ये अपेंडेजेस जो है वो एक प्रकार की बॉडी के अंदर कवर रहते हैं, है ना। तो जिसको कि प्यूपल जो केस बोला जाता है, इस प्यूपल केस के अंदर जो है कवर रहते हैं, इसलिए इनको जो है ऑप्टेक टाइप ऑफ प्यूपा कहा जाता है। तो नीम लूपर जो है वो आपका ऑप्टेक टाइप ऑफ प्यूपा है। एक होता है कॉर्कटेक टाइप। कॉर्कटेक टाइप में क्या होता है, अपेंडिजेस जो होते हैं वो
वो विजिबल नहीं होते हैं। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है पीपा ऑफ हाउस फ्लाई, पीपा इज एनक्लोज इन पीपेरियम, पीपेरियम में पीपा बंद रहता है और किसी भी प्रकार के अपेंडिजेस बाहर से नहीं दिखाई देंगे। जब लास्ट लार्वल स्किन होगी तब ये जो है इससे क्योंकि एडेक्टिकस टाइप प्यूपा है ये, तो ये उसके अंदर से फाड़ करके फिर एडल्ट इससे बाहर निकलते हैं। कॉर्केटेड टाइप ऑफ प्यूपा। चौथा होता है ऑप्टेक्ट प्यूपा, कोकून, कोकून है ना, अर्थात जो सिल्क वर्म के कोकून आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रकार का सिल्कन या अर्दन केस में वो अपने कोकून जो है एक कोकून जैसी संरचना बनाता है इसकी लास्ट लार्वल जो स्टार होती है वो, और अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्टिव कोकून्स में कन्वर्ट कर लेता है, बंद कर लेता है, और ऊपर की जो संरचना होती है उसको बोला जाता है कोकून। तो जो सिल्क मॉथ है, रेशम कीड़े हैं, उनके ऊपर जो है इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है, तो इस प्रकार के पीपा को कोकून कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है इस क्लास में हम लोगों ने देखा मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ लार्वा, लार्वा के विभिन्न प्रकार, और प्यूपा एवं प्यूपा के विभिन्न प्रकार। तो उम्मीद है इस क्लास से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी।